से 5 मिनट विजुअलाइजेशन आप करो रोज, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति देता हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग काफ़ी विचारों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा विचार, ऑटोमेटिक थॉट्स चालू रहते हैं। ज़्यादातर लोग 75% पास्ट में रहते हैं और पास्ट के विचार ऐसा नहीं होना चाहता, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा वैसा चालू रहता है, तो उससे काफ़ी डिप्रेशन आते रहता है। कुछ लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, चिंता लगी रहती है और उसकी वजह से एंग्जाइटी होती रहती है। चिंता, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी। लोग प्रेजेंट में रहते नहीं, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहते नहीं, प्रेजेंट में, वर्तमान में लोग मौजूद नहीं रहते, आइदर पास्ट में या फ्यूचर में रहेंगे। और फिर पास्ट का डर, फ्यूचर का डर, पास्ट का डिप्रेशन, फ्यूचर की चिंता, ये लगे रहेंगे और वो आते रहेंगे हरदम। अब इससे छुटकारा पाना है तो आपके ब्रेन को विजुअलाइजेशन द्वारा एक नया कंडीशनिंग, नया पैटर्न्स आप तैयार कर सकते हो। अब विजुअलाइजेशन कैसा काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या हो गया, साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और विजुअलाइजेशन कैसा काम करता है वो प्रूव किया। ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने 2 व्यक्ति लिए, दोनों सरीके हैं, एजुकेशन सरीके है, दोनों का कद सरीका है, सब सरीका है दोनों का अप्रोक्सीमेटली, और उनको एक 100 मंजिल बिल्डिंग थी उसके पास में लेके गए। वे 100 मंजिल बिल्डिंग जो है उसके टॉप पे, उसको बोला भी उनको जाने का है टॉप पे, ऊपर जाने का है। वहाँ से एक सामने ऐसी हवा में एक पटरी निकाली हुई है एक 10 फुट की, और उनको बताया गया कि आपके 10 फुट के पटरी के ऊपर जाके खड़ा रहने का है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। वो 10 फुट की पटरी वो बिल्डिंग से ऐसी बाहर आई हुई है हवा में, थोड़ी चौड़ी है, और उनको तैयार किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पहले व्यक्ति को वहाँ बिल्डिंग के नीचे पहले लेके गए ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से उसको लिफ्ट से चढ़ाया गया, और चढ़ाने के बाद में उसको ऊपर जो 100th फ्लोर था वहाँ लेकर गए। वहाँ से फिर वो जो लकड़ी की पटरी थी उसके ऊपर जाके उसको खड़ा किया। उसको बहुत डर लगा, बहुत घबराया हुआ इंसान हो गया वो, सीने में धड़कन, हाथों में कंपन, धड़ 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 बढ़ रहा है, बहुत घबराहट हुई है, पसीना आ रहा है, उसको डर लग रहा है कि अपन मर जाएंगे, थोड़ा भी बैलेंस इधर हो गया तो मर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा उसको डर लग गया। तो उसका वो सब नोट किया गया कि भाई कौन से ब्रेन में, ब्रेन के कौन से हिस्से में ये डर लग रहा है, एक्चुअली ब्रेन में हो रहा क्या है। तो मालूम हुआ कि एमिगडाला जो सेंटर है, तो एमिगडाला सेंटर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस वहाँ तैयार हो रहे हैं, घबराहट तैयार हो रही है, वो सब नोट की गई। फिर दूसरे व्यक्ति को उसके आँख के ऊपर पट्टी बांध दिया, उसको ये बोला गया कि आपको भी वहाँ जाना है, वो पटरी के ऊपर जाना है 100th फ्लोर के ऊपर, और वहाँ जाके खड़े रहने का। अब इसको पट्टी बांध दिया आँख के ऊपर, उसको गोल 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 ऐसा घुमा दिया पूरा, उसको मालूम ही नहीं अभी कौन से डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं। तो उसको फिर हाथ पकड़ के लेके गए, उसको भी लिफ्ट में बिठाया, और लिफ्ट में बिठा के उसको सिर्फ पहले मंजिल पर लेके गए, और पहले मंजिल पर जाने के बाद में सिर्फ 1st फ्लोर, वहाँ से एक पटरी के ऊपर उसको धीरे धीरे लेके गए। उसको बोला कि आप 100 जो मंजिल है उसके ऊपर है, 100th फ्लोर के ऊपर आप है, ये पटरी के ऊपर चलो, आंखों के ऊपर पट्टी है। तभी उसके दिमाग में क्या विचार है, बिलीफ क्या है कि हम, कि भाई खुद वो 100th फ्लोर पे है, 100 मंजिल के ऊपर है, ऐसा उसको बताया गया ना, उसके ऊपर अभी उसका विश्वास है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं अभी। उसके ब्रेन को भी ये मालूम है कि अभी ये व्यक्ति अभी 100th फ्लोर के ऊपर है, ये उसके ब्रेन को मालूम है। जब वो वहाँ उसको लेके गए, पटरी के ऊपर खड़ा किया, फिर वैसे की वैसी पूरी रिएक्शन ये व्यक्ति में दिखी। हाथ में कंपन, पसीना तरोना, हाथ थरथराना, घबराहट, बेचैनी, उसको ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। और जब स्टडी किया तो ब्रेन की जो एरिया थी एमिगडाला, तो वही एरिया में एक्टिविटी फिर से दिख गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये उसका अर्थ निकाला कि ब्रेन को मालूम नहीं पड़ता है कि आप एक्चुअली जा रहे हैं, कि आप कल्पना कर रहे हैं। एक्चुअली गए तभी वही एक्टिविटी स्टिम्युलेट हो रही है, वही पार्ट एमिगडाला स्टिम्युलेट हो रहा है, और सिर्फ सोचा भी उसके बारे में, एक्चुअली लेकर नहीं गए, सिर्फ सोचा तभी भी वही एक्टिविटी हो रही है। तो फिर क्यों ना हम सोचे और सोच के अपने ब्रेन को ये बताए कि हम एकदम सेफ एनवायरनमेंट में, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह का विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उस तरह का चित्र देखते हैं कि मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सबके सामने बातचीत कर रहा हूँ,
मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं किसके भी साथ में जाके बातचीत कर रहा हूँ, मैं प्लान्स लोगों को बता रहा हूँ, मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं ब्रेन को बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन के माध्यम से, तो ब्रेन को एमिग्डाला को लगेगा कि अरे ये तो हो रहा है, सचमुच हो रहा है। उसको क्या मालूम एमिग्डाला कि सचमुच हो रहा है कि कल्पना कर रहा है। तो कल्पना के माध्यम से हम एमिग्डाला को ऐसा चीट कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। और जब ये सब ऐसा है तो नेचुरली एमिग्डाला की जो हाइपर एक्टिविटी है वो शांत हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि रिलैक्स वातावरण में है, प्रॉब्लम ही नहीं है, मजा आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एमिग्डाला की एक नया पैटर्न वहां तैयार हो जाएगा। अब देखो हम उल्टा जा रहे कि कल्पना कर रहे कि अच्छे वातावरण में, एमिग्डाला को बदल दिया, अभी एक्चुअली टेंशन के वातावरण में जा रहे। एमिग्डाला अभी वैसा रिएक्ट करेगा नहीं जो पहले रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि अभी उसको मालूम हो गया कि ये तो वातावरण में रिलैक्स होना है, होता कुछ भी नहीं है। एमिग्डाला अभी जैसा पहले वाला जो रिएक्शन था वही रिएक्शन देगा, शांत का, रिलैक्स का, कोई ज़्यादा एक्टिविटी बताएगा नहीं। और एमिग्डाला यदि हाइपर एक्टिविटी नहीं बता रहा है तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मतलब विजुअलाइजेशन यदि आप करते हैं, और ये सोने के पहले करते हैं, स्पेशली सुबह उठने के बाद में करते हैं, 5 मिनट यदि आप विजुअलाइजेशन करते हो, और विजुअलाइजेशन में आपको जो चीज़ का डर लगता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ को आप फेस नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ में हम कंफर्टेबली खड़े हैं, वो वातावरण में, वो सिचुएशन में मैं कंफर्टेबली खड़ा हूँ, कंफर्टेबली उसको फेस कर रहा हूँ, उसका सामना कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिनेशन में कर रहे हैं, ऐसे विजुअलाइजेशन में कर रहे हैं, और ऐसे आप विजुअलाइजेशन में करते हो, एमिग्डाला शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, वो घबराएगा नहीं। फिर वैसे ही आपने कल्पना करना है कि अभी आप टेंशन वाले वातावरण में, फिर कल्पना करो घर में बैठे बैठे, और बोलो कि अभी मैं उसका सामना अच्छे तरह से कर रहा हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी क्या हो गया, अभी एमिग्डाला का कंडीशनिंग ऐसा हो रहा है कि अभी टेंशन का भी वातावरण है तो भी कुछ नहीं हो रहा है, एमिग्डाला शांत है, रिलैक्स है, हाइपर एक्टिविटी नहीं हो रही है। फिर आप जब एक्चुअली जाएंगे, रियलिटी में जाएंगे, वातावरण में, वहाँ भी आपने वही करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है, और एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, कंडीशनिंग होगी कि वातावरण में भी हमको रिलैक्स ही रहना है, तो आप रिलैक्स रहेंगे। एमिग्डाला में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे नहीं, एमिग्डाला यदि रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, हाइपर एक्टिव नहीं दिखेंगी तो बदन में तकलीफ नहीं होगी, भावनाएं बहुत डरावनी नहीं होंगी, ब्रेन भी शांत रहेगा। तो ये विजुअलाइजेशन आप रोज करो, मैजिक जैसा काम करेगा। आपके जो फालतू के विचार पास के बारे में आ रहे हैं, फ्यूचर के विचार आ रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ नहीं, आपको जो चाहिए उसको देखो, उसको विजुअलाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, और उसको हम फेस कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली। इस तरह का इमेजिनेशन आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ब्रेन एकदम पावरफुली कोई भी सिचुएशन को फेस कर पाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।